हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकार वार्ता कर मॉनसून सत्र के दौरान किसानों बागवानों के हित में लिए गए फैसलों की सराहना की गई। किसान कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता कंवर रविन्द्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा विधानसभा सत्र में किसानों बागवानों के हित में कई फैसलों में एक अहम फैसला ये भी शामिल रहा, जहां टेलीस्कोपिक कार्टन का प्रचलन बंद करने के लिए सहमति बनी, तो वहीं यूनिवर्सल कार्टन पूरी तरह से आगामी वर्ष में उपलब्ध होने की बात पर भी स्वीकृति बनी। वहीं हिमाचल किसान कांग्रेस द्वारा ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौड़ का किसान बागवानों की आवाज बनने के लिए आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि विधायक कुलदीप सिंह राठौड़ ने विधानसभा के मॉनसून सत्र में नियम 61 के तहत किसानों बागवानों के हित में विभिन्न मुद्दों को उठाया, जिस पर कांग्रेस सरकार ने संज्ञान लिया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने यूनिवर्सल कार्टन के पूरी तरह उपलब्ध होने की बात कही। वहीं हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस द्वारा आपदा ग्रसित क्षेत्र प्रस्ताव पर प्रदेश भाजपा का मौन रहने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। हम आपके माध्यम से लोगों के संज्ञान में ये बात लाना चाहते थे कि जो पिछले दिनों में विधानसभा में जो सेशन कंप्लीट हुआ है, उसमें किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के किसानों और बागवानों के मुद्दों पे बात हुई है और क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, और इसके लिए जहाँ जहाँ पे हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस ने अपने डिमांड चार्टर में जो मांगे रखी थी, उन मांगों के ऊपर में भी कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं जो पॉजिटिव हैं, और उसको हम आपके माध्यम से लोगों तक लाना चाहते थे। और उन्हीं डेवलपमेंट्स में मैं यदि कहूं तो जिस प्रकार से टेलीस्कोपिक कार्टन का प्रचलन बंद करने के लिए अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन पूरी तरह से अवेलेबल हो जाएगा, ये सरकार ने आश्वासन दिया है, उसके लिए हम कुछ लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे, जिसमें सर्वप्रथम कुलदीप सिंह राठौर जी जो थियो कुमार सिंह के विधायक हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं क्योंकि उन्होंने नियम 61 के तहत पॉइंट ऑफ ऑर्डर में ये क्वेश्चन हम विधानसभा में लाया। और इसी के ऊपर हमारी कांग्रेस सरकार ने संज्ञान लिया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी और श्री जगत सिंह नेगी जी जो बागवानी मंत्री हैं, उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है ऑन रिकॉर्ड कि अगले साल से यूनिवर्सल कार्टन जो है वो सबके लिए अवेलेबल होगा, तो इससे कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहेगी किसानों के बीच। और जिस प्रकार से पिछले कुछ दिनों में हमने डेवलपमेंट्स देखी किसानों बागवानों को लेकर के, जिसमें कि एप्पल को पर केजी करना बेचने के लिए, वो अपने आप में बहुत बड़ी थी। इस चीज़ की मांग बहुत लंबे समय से हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस करती रही और कुलदीप सिंह राठौर जी ने इसको पिछली बार विधानसभा में भी उठाया था, और इस बार हमें उनका धन्यवाद करने का मौका मिला है क्योंकि सरकार ने संज्ञान में लेकर के इस बार पूरा का पूरा सीजन जो है वो सेब पर किलो के हिसाब से बिका है। ये अपने आप में ऐतिहासिक है, इसकी डिमांड जो है लगभग 30-40 सालों से हो रही थी, तो इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। अदानी के रेट्स जो थे वो कभी भी मार्केट में सही नहीं होते थे, परंतु इस बार कुलदीप सिंह राठौर जी ने जिस प्रकार से उनको घेरा और उन्होंने 5 दिनों के अंदर ही उन दामों को बढ़ाया, उससे बहुत किसानों बागवानों को फायदा हुआ है, हम उसका भी उनका धन्यवाद करते हैं। और साथ ही साथ हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कुछ मुद्दों पर भाजपा की निंदा जरूर करना चाहते थे। एक तो ये कि यदि आपदा ग्रसित क्षेत्र हिमाचल प्रदेश को घोषित करने के लिए विधानसभा में एक प्रस्ताव लाया जाता है, तो उस प्रस्ताव पे सभी भाजपा के विधायक चुप क्यों थे, मौन क्यों थे, क्यों वो ये नहीं बोले कि हाँ हम इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि प्रदेश जितना कांग्रेस का है उतना ही भाजपा का भी है। किसान बागवान या हमारे देश के प्रदेश के जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग ये चीज़ 5 साल तक याद नहीं रखते कि उन्होंने किसको वोट दिया। सरकार का काम है अपना कार्य करना, परंतु विधानसभा के अंदर में जब प्रदेश हित की बात होती है तो उसमें कांग्रेस भाजपा सभी को मिलकर के एक आवाज़ में वो बात करनी चाहिए थी, जो नहीं हुई, जो हमने देखी। तो इसके लिए हम भाजपा के जितने भी विधायक हैं यहाँ, उनकी निंदा करते हैं कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश को आपदा ग्रसित क्षेत्र घोषित करने के लिए अपनी आवाज़ नहीं उठाई। साथ ही साथ हमने पिछली बार जैसा आपको बताया कि केसीसी का हम मुद्दा उठाया था कि 1 साल का जो ऋण है उसके ऊपर ब्याज की माफ़ी मिले, परंतु वो प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात जो थी उसको अनसुना कर दिया। उसके लिए भी हम बहुत आहत हैं, जितने भी हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान हैं, क्योंकि यदि वो 1 साल के ब्याज की हमें रिमिशन मिलती, माफ़ी मिलती, तो इससे सभी किसानों बागवानों का फ़ायदा होता। और साथ ही साथ 12,000 करोड़ रुपये की आपदा का आंकलन हुआ है, और मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से भाजपा के सभी नेता आगे आते हैं और वो कहते हैं इतना आ गया है केंद्र सरकार से, इतने 100 करोड़ आ गए हैं, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं जो आ रहा है। यदि पीडब्ल्यूडी विभाग में 2700 करोड़ के लगभग आया है तो वो अच्छी बात है,
परंतु 12,000 करोड़ रुपए की आपदा है, इस समय राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु जितने भी भाजपा के नेता प्रदेश के हैं उनको केंद्र में जाकर के, आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी भी केंद्र में गए, G20 की मीटिंग हुई वो वहां भी गए, और वो हमारे लिए गौरवान्वित क्षण था, हमने उसकी निंदा नहीं करी। G20 जो था वो देश का था और हम सभी देश के नागरिक हैं, तो इसलिए हमने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ कि हमारे देश ने इसको होस्ट किया। उसी प्रकार जब हिमाचल प्रदेश में आपदा आई तो फिर हम राजनीति के बेस पे इसको क्यों डिवाइड कर रहे हैं कि ये कांग्रेस करेगी ये भाजपा करेगी। यदि भाजपा की सरकार केंद्र में है तो उसे जितने यथासंभव मदद है वो देनी चाहिए, और उसके लिए भाजपा के नेताओं को बात करनी चाहिए।